सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम जानेंगे लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना को। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्राकृतिक खतरों और आपदाओं, भूसामयिक महत्व, कठोर वातावरण, बदलती जलवायु को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लेह में एक अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। अब जानते हैं मौसम विज्ञान केंद्र को। लद्दाख में स्थापित ये मौसम विज्ञान केंद्र समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एवं ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। इस मौसम विज्ञान केंद्र का संचालन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD द्वारा किया जाएगा और इस केंद्र से IMD संख्यात्मक मॉडल के आधार पर शहर विशिष्ट पूर्वानुमान जारी करेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा और लद्दाख जैसे विषम उच्चावच वाले क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेगा। लद्दाख के दोनों जिलों लेह और कारगिल के लिए समयांतराल अर्थात 3 दिन, मध्यम समयांतराल अर्थात 12 दिन और लंबे समयांतराल अर्थात 1 महीने का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। यह केंद्र नुब्रा, चांगथांग, पेंगोंग झील, जास्कर, कारगिल, द्रास, धाबाइमा अर्थात आर्यन घाटी, खलसी जैसे पर्यटन स्थलों के संबंध में भी मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे राजमार्ग पूर्वानुमान, पर्वतारोहण के लिए पूर्वानुमान, ट्रेकिंग, कृषि, बाढ़ चेतावनी, तेज हवाओं की जानकारी, कम और उच्च तापमान आदि की सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकेगी। अब जानते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1785 में कलकत्ता और 1796 में मद्रास में ऐसे स्टेशन स्थापित किए थे। 1864 में कलकत्ता में एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उसके बाद 1866 और 1871 में भयंकर सूखे के कारण तत्कालीन भारत सरकार ने वर्ष 1875 में कलकत्ता में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पुणे और अब जिसे पुणे कहा जाता है और अंत में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ये देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा और मौसम विज्ञान से संबंधित विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। अब समझते हैं इसके कार्यों को। कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योग, खनिज तेल अन्वेषण एवं अन्य राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी आंकड़े प्रदान करना, मौसम विज्ञान और संबंध विषयों में अनुसंधान को संचालित करना और बढ़ावा देना, भूकंपों के स्थान और केंद्र बिंदु का पता लगाना और उसका पता लगाने और विकास परियोजनाओं के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंपीयता का मूल्यांकन करना। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।